Hyderabad International School, CBSC Plus Exceed Syllabus, which is followed in eight countries. Modern Plus Islamic Education, Five-step activity-based and playway method, launching separate branches for girls. असल नाजरीन आप सबका इस्तकबाल है एटीन तेलंगाना न्यूज़ के खास खबरनामे पर आज उन्नीस जुलाई मंडे का दिन है आइए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त के आखिरी दिनों तक दाखिल होने का अंदेशा है और रोजाना एक लाख कोविड नाइन्टीन केसेस दिन पे दिन लगातार दर्ज किए जा सकते हैं टॉप आईसीएमआर साइंटिस्ट ने दी बड़ी वार्निंग प्रोफेसर समीरान पांडा जो साइंटिस्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर पर उनका कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंडिया में अगस्त के आखिरी दिनों में दाखिल हो सकती है और रोजाना एक लाख केसेस दर्ज हो सकते हैं पाबंदियां हटाने के बाद कई स्टेट के हालात और बिगड़ने का अंदेशा है इंडियन मिनिस्टर अपोजिशन लीडर्स और जर्नलिस्ट के फ़ोन नंबर्स इसराइली स्पाईवे पेगासस में पाए गए पेगासस इजरायली बेस्ड कंपनी है और इनके नंबर्स हैकिंग करने के लिए चुने गए हैं द वायर न्यूज़ और दिगर न्यूज़ पब्लिकेशंस के मुताबिक 40 जर्नलिस्ट तीन अहम अपोजिशंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल और दो मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानब से चुनी गई नई मिनिस्ट्री में काम करते हैं बिजनेस पर्सन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स दिगर फॉर्मर हेड्स इन तमाम के फ़ोन नंबर्स इजरायली स्पाइवेयर पेगासोस के पास है हैक करने के लिए जल्दी आने वाले दिनों में फोन नंबर्स के लोगों के नाम मिल जाएंगे हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में अड़तीस नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के केसेस दर्ज हुए सात दशमलव दो फीसद ये गिनती कम है कल के मुकाबले और पिछले चौबीस घंटों में कोविड नाइन्टीन मुतासरीन की चार सौ निन्यानवे लोग की मौत हुई है पिछले एक सौ चार दिन से ये सबसे कम आंकड़ा है कोविड नाइन्टीन मुतासरीन के मौत की जब से कोविड नाइन्टीन शुरू हुआ है तब से अभी तक तीन करोड़ ग्यारह लाख केसेस दर्ज हुए हैं कोविड नाइन्टीन के और चार लाख चौदह हजार लोगों की मौत हुई है कोविड नाइन्टीन के सबब फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जो अफगानिस्तान के झगड़ों की खबर को कवर करने के दौरान मारे गए थे उनका कतल किया गया था उनकी आखिरी रसूमा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इलाके पेश आई उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया के ख़ब्रिस्तान में दफन किया गया बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनासा अदा की रात के दस बजे जिसके बाद उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया मिलिया के खबरस्तान में दफनाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ़ ने सऊदी अरब हुकूमत की तारीफ़ की कोविड नाइन्टीन से बचने के लिए हज के दौरान जो जकाम जारी किए गए सऊदी अरब हुकूमत की जानब से वो सबसे बेहतरीन है सऊदी अरब हुकूमत नई टेक्नोलॉजीज़ और नई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रही है कोविड नाइन्टीन को काबू में करने यूएस के टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स ने दी वार्निंग कोविड 19 का इन्फेक्शन दोबारा यूएस में फैल सकता है यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाए उनमें कोविड 19 के केसेस देखने मिले इस हफ्ते यूएसए में 70 फीसद इजाफा हुआ है कोविड 19 केसेस में डेल्टा वेरिएंट के सबब बशार अलसाद चौथी मरतबा सात साल के लिए सीरिया के प्रेसिडेंट चुने गए जैसे ही वो प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठे अहम मुद्दों पर बात किए जैसे प्रोडक्शन की अहमियत इन्वेस्टमेंट की अहमियत और एंटी करप्शन की वजह से सीरिया में इकोनॉमिक में तब्दीली आई है इस तालुक से तफसलात बताए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोविड 19 पर एक खास प्रेजेंटेशन देने वाले हैं जुलाई बीस को इस प्रेजेंटेशन के दौरान तमाम फ्लो लीडर्स और पार्टी मेंबर्स हाउस मेंबर्स मौजूद रहेंगे फिलहाल प्रेजेंटेशन की टाइमिंग पर जल्दी फैसला लिया जाएगा